अधिकांश साथियों को पता है कि श्री राम मित्र मंडल नोएडा पिछले 5 वर्षों से रामलीला का आयोजन कर रही है। 2013 से श्री राम मित्र मंडल ने रामलीला का आयोजन शुरू किया था। 2013, 14, 15, 16 4 वर्षों तक श्री राम मित्र मंडल ने नोएडा स्टेडियम में रामलीला का आयोजन किया था। पहली बार सेक्टर 62 में हम लोग रामलीला का आयोजन कर रहे हैं। सबसे पहले हमने 2013 में नोएडा स्टेडियम से शुरू किया था और 13, 14, 15, 16 लगातार 4 वर्षों तक नोएडा स्टेडियम में किया। इस बार प्राधिकरण से पता चला कि वो अलॉट हो गया है दूसरी संस्था को, तो फिर हम लोगों को कहा गया कि आप लोग ये सर्च कीजिए अच्छा ग्राउंड। तो हम लोगों ने जो सर्वे किया देखा तो हमें सेक्टर 62 की जगह जहाँ पर हम लोग कर रहे हैं अच्छी लगी, क्योंकि ये जगह इसमें स्टेडियम से भी ज़्यादा है। और दूसरा फायदा है कि पार्किंग की बड़ी सुविधा है। ये जो प्लॉट है ये चारों बगल से इसमें सड़क है और खुले खुले जगह हैं, तो लोगों को यहाँ गाड़ियाँ पार्क करने में कोई समस्या नहीं। वहाँ काफ़ी समस्या होती थी स्टेडियम में। इसके अलावा सेक्टर 62 की ये सोसाइटी है, लगभग 52 अपार्टमेंट्स हैं सेक्टर 50 में, 52 अपार्टमेंट्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें करीब हमें लगता है कि ये 2 लाख लोग से कम नहीं है। इसके अलावा ये नवादा गांव है सामने, इदारसी चोटपुर ऐसे बगल में है, खोरा कॉलोनी जो कि बहुत बड़ी कॉलोनी है वो बगल में है, 55, 56, 60, 61, 71, 70, 66 ये सब सेक्टर यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। तो ये जगह अच्छा लगा और ये हम लोगों ने उनसे मांगा और हम लोगों को ये नोएडा प्राधिकरण ने दिया। मैं नोएडा प्राधिकरण का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी जगह रामलीला मंचन के लिए दिया। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन का भी धन्यवाद कि उन्होंने समय से अनुमति दी कार्यक्रम रामलीला मंचन कराने का। सभी औपचारिकताएँ पूरी कर ली गई, उसके बाद तैयारियाँ शुरू कर दी गई। आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि 21 सितंबर को गुरुवार 21 सितंबर को सायं 7 बजे रामलीला का शुभारंभ होगा। ये पहला दिन है और उसके बाद लगातार 1 अक्टूबर तक चलेगा, 1 अक्टूबर को समापन होगा। 21 सितंबर को शुभारंभ, उसके बाद प्रतिदिन शाम को 7 बजे लीला मंचन होगा। 24 सितंबर को राम बारात शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो 24 सितंबर को दोपहर बाद 2 बजे सेक्टर 20 के हनुमान मंदिर से निकलेगी और वहां से शुरू होकर के डीएम चौराहा, टेलीफोन एक्सचेंज, हरौला, सेक्टर 9, 10, 11, 56, 12, 22 होते हुए 55 जाएगी, 55 से 57 का तिराहा, फिर लेबर चौक और फिर सेक्टर 59 में अमर उजाला के ठीक सामने से यहाँ पर आ जाएगी। रविंद्र चौधरी साहब आए हैं, आपका स्वागत है, आगे आ जाइए चौधरी साहब, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, इधर कुर्सी ले लीजिए। तो 21 सितंबर को शुरू होगा, 24 सितंबर को राम बारात शोभा यात्रा निकलेगी, 30 सितंबर को सायं 5 बजे यहाँ पर भगवान राम और रावण के बीच में युद्ध होगा। उसमें भगवान राम के हाथों से रावण मारा जाएगा, रावण का अंत होगा और इस खुशी में हम लोग दशहरा उत्सव पूरे धूमधाम से मनाएंगे, आतिशबाजी होगी और रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन होगा। 80 फुट के रावण, 75 फुट के कुंभकर्ण और 70 फुट के मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाएगा। पहले हम लोग दशहरा के दिन ही समाप्त कर देते थे रामलीला, लेकिन इस बार हम लोगों ने एक दिन बाद 1 अक्टूबर को समापन करेंगे। 1 अक्टूबर को
भगवान राम का राज्याभिषेक होगा, भारत मिलाप होगा और उसके बाद रामलीला मंचन का समापन होगा, रामलीला महोत्सव का समापन होगा। प्रतिदिन रामलीला का मंचन शाम को 7 बजे से होगा और रामलीला के साथ साथ दर्शकों के मनोरंजन के लिए झूले और खेल तमाशे की भी व्यवस्था की गई है। आप लोग देख सकते हैं पत्रकार बंधु, कई प्रकार के झूले लगाए जा रहे हैं, उसमें दर्शक बच्चे खास करके उसका आनंद ले सकेंगे। उनके खाने पीने की व्यवस्था कराई गई है, कई स्टॉल रहेगा जिसमें खाने पीने की व्यवस्था करेंगे लोग। इसके अलावा सुरक्षा की बहुत चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी, नोएडा पुलिस पर्याप्त संख्या में रहेगी, हमारा सुरक्षा गार्ड प्राइवेट सुरक्षा गार्ड रहेगा, अग्निशमन की व्यवस्था होगी, सीसीटीवी कैमरे लगभग 3 दर्जन सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे जो कि नज़र रखा जाएगा अगर किसी प्रकार की असामाजिक गतिविधियां होती है, और स्क्रीन लगेंगे जिससे वो पता चल सके अगर कोई गलत काम करेगा तो स्क्रीन पर वो आ जाएगा। इस बार जो हम लोगों ने मंचन में चेंज किया है उसमें नोएडा में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। इस बार हम लोग जब वो रावण माता सीता का हरण करता है और पुष्पक विमान से ले जाता है तो हम लोग पुष्पक विमान को आकाश मार्ग से जाते हुए दिखाएंगे। पहले हम लोग नहीं दिखा पाते थे लेकिन इस बार हमने व्यवस्था की है, आकाश मार्ग से पुष्पक विमान को जाते हुए दिखाया जाएगा। इसके अतिरिक्त श्री हनुमान जी जब लंका पहुंचने के लिए हवाई मार्ग से आते हैं लंका के उस तरफ से, तो हवाई मार्ग से आते हैं तो हम लोगों ने व्यवस्था किया है कि हवाई मार्ग से आते हुए हनुमान जी को दिखाया जाएगा। ये विशेष तरह का दो व्यवस्था की गई है जो कि नोएडा में कभी भी रामलीला में नहीं हुआ आज तक। तीसरा जो मंचन में होता है कि जब विवाह हो जाता है माता सीता का उसके बाद प्रसंग समाप्त हो जाता है विवाह का, इस बार हम लोगों ने सीता विदाई का विशेष प्रसंग रखा। उसमें विदाई के समय में जो भावनाएं होती है वो प्रसंग के द्वारा उसका चित्रण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस बार हम लोगों ने कुछ प्रोफेशनल कलाकार जो मुंबई में फिल्मों में सीरियल्स में काम करते हैं उनको इस बार रखा गया है। जो आवाज इस बार देंगे उसकी विशेष व्यवस्था इस बार हम लोगों ने कराया है, मुंबई से स्पेशली बुलाया गया है ऋषि देव शर्मा को जो कि ये मुंबई के फिल्मों में कोरियोग्राफर हैं और वो आवाज़ देंगे। उनके साथ 3-4 लोगों की टीम होगी, पुरुष और महिला, और वो आवाज़ देंगे तो पूरा ही प्रोफेशनली वो आवाज़ देंगे और उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत अच्छा आवाज़ उनका रहेगा। हमारे बीच में राजन भाई भी आए हैं, आपका स्वागत है, आगे आ जाइए राजन। हमारे बीच में श्री अमरीश त्रिपाठी भी हैं, नवभारत टाइम्स से वरिष्ठ पत्रकार हैं, आशुतोष दुबे जी हैं अमर उजाला से, सुनील घोष जी हैं हिंदुस्तान टाइम्स से, विनय जी हैं नवोदय टाइम्स से, योगेंद्र जी हैं, जितेंद्र जी हैं अखबार विराट भारत से हैं, आप सभी का स्वागत है। शर्मा जी हैं, आप साधना प्राइम को रिप्रेजेंट करते हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और अब मैं चाहूँगा कि इस रामलीला कमेटी के अध्यक्ष श्री धर्मपाल गोयल साहब आपको कुछ जानकारी देंगे, जो हमने कुछ बातें नहीं बताई है जो विशेष है या जो इनका मैसेज देना चाहते हैं। उससे पहले मैं एक परिचय भी कराना चाहूँगा हम अपने रामलीला समिति के पदाधिकारियों का। आप धर्मपाल गोयल साहब अध्यक्ष, पिछले ये 5वां साल है आप अध्यक्ष हैं। डॉक्टर AK त्यागी साहब हैं, ये संरक्षक हैं इसमें रामलीला कमेटी में। मुकेश गुप्ता जी हैं, आप इसमें सह सलाहकार हैं। रविंदर चौधरी जी हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। आप मनोज शर्मा जी हैं,
आप सलाहकार हैं, गजेंद्र बंसल जी संरक्षक हैं, इनका बड़ा सहयोग रामलीला में है। आप राजेंद्र गर्ग साहब हैं, कोषाध्यक्ष रामलीला समिति के। इस बार मैं ये भी बताना चाहूँगा कि गजेंद्र बंसल साहब RWA सेक्टर 55 के अध्यक्ष हैं, वो सहयोगी संस्था भी है इस रामलीला मंचन में, और इनके RWA का बहुत बड़ा योगदान है। जो 80 कलाकार आए हैं मुरादाबाद से, आज शाम को आ गए हैं, उन सभी 80 कलाकारों को रहने की व्यवस्था इन्होंने सेक्टर 55 के बारात घर में कराया, और वो एकदम निःशुल्क व्यवस्था है। तो हम आभारी हैं, रामलीला समिति पूरी कार्यकारिणी इनका आभारी है, बंसल साहब का बहुत सहयोग है इनका। पीछे में बैठे हैं श्री सत्यनारायण गोयल जी, जो कि संरक्षक है हमारे, उनका भी बड़ा सहयोग इसमें आयोजन में रहा है। हमारे बीच में गौरव मेहरोत्रा साहब बैठे हैं आपके पीछे में, ये रामलीला में इनका शुरू से ही बहुत सहयोग रहता है। हमारे साथ में चंद्र प्रकाश गौर हैं, जो कि मीडिया प्रबंधक हैं। हमारे साथ में अरविंद मिश्रा जी हैं, जो कि मीडिया में ये सहयोग कर रहे हैं। प्रशांत झा जी हैं, जो इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो मैं श्री धर्मपाल गोयल साहब को माइक दे रहा हूँ, तो आपको अपनी बात कर। धन्यवाद मुन्ना शर्मा जी। मंच पर विराजमान हमारे महासचिव श्री मुन्ना कुमार शर्मा जी, गजेंद्र बंसल साहब सेक्टर 55 RWA के प्रेसिडेंट हैं, श्री राजेंद्र गर्ग साहब, जैसा कि अभी आपको बताया गया संस्था के कोषाध्यक्ष हैं, मनोज शर्मा जी वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे बीच में हैं, श्री AK त्यागी साहब जो वाइस प्रोफेशन डॉक्टर हैं, सेक्टर 62 में निवास करते हैं, संस्था के संरक्षक के रूप में हमारे बीच में विराजमान हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है किसी परिचय के मोहताज में यहाँ, मुकेश गुप्ता साहब और रविंद्र चौधरी साहब, जो चौधरी क्रेन के नाम से नोएडा में मशहूर हैं और बिल्कुल संस्था के साथ लगातार 5 वर्षों से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, और कोई भी ज्योति इनके लगा दी जाए तो फुलफिल होती है। ऐसे कार्यकर्ता हमारे समाज के बीच में हैं, और सभी पत्रकार बंधु आप सबका इस आज के आयोजन में, आज पत्रकार वार्ता में सबका हार्दिक वंदन अभिनंदन। कार्यकर्ताओं की टीम हमारे पास कम से कम 150 से 200 के बीच में है। जो वॉलेंटियर ही हमारे पास रहेंगे, करीब करीब 80 या 90 बच्चे हमारे वॉलेंटियर रहेंगे यहाँ पे, चंद्र प्रकाश गौर जी के माध्यम से और विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से। रामजगत पांडे जी मेरी आवाज़ अगर सुन रहे हैं, तो रामजगत पांडे भी एक हमारे समाज से जुड़े हुए, संस्था से जुड़े हुए हैं और अच्छे कार्यकर्ता हैं। इन्होंने भी करीब 25 वॉलेंटियर अपने मोहल्ले के, अपने शहर के देने का इन्होंने जो वचन लिया है, और जो हमारे साथ ये काम लगातार इन 11 दिनों तक समाज में ये उभर के सामने आएंगे, ये लोग काम अच्छा करेंगे। रामलीला का आयोजन में अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है ये वॉलेंटियर, व्यवस्था को संभालना, किसी भी किस्म का स्टेज का कोई काम हो उसको संभालना, बहुत अच्छा काम ये करेंगे। जितने भी वॉलेंटियर 80-90 हमारे पास हैं, और गार्ड की व्यवस्था मनोज कुमार शर्मा ने बताई दी है, CCTV कैमरे भी हमारे JP मंडल साहब साथ में बैठे हुए हैं, वो भी करीब करीब निःशुल्क ही हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं। सूक्ष्म सा जो भी तार वार आनी है वो तार संस्था लेके दे देगी इनको, और सूक्ष्म से तरीके से ये भी निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, लगातार 3-4 वर्षों से दे रहे हैं। ऐसे JP मंडल साहब सेक्टर 82 में रहते हैं, जब भी संस्था को जरूरत होती है उनको बुलाते हैं, और वो अपना काम करके आराम से बिना किसी पहचान के पर्दे के पीछे रहने वाले लोग हैं। मैं इनका भी धन्यवाद भी करता हूँ। जो राम बारात निकल के आई है, राम बारात 24 तारीख संडे की है, नेक्स्ट संडे की, मैं ये जो कमिंग संडे है ना, इसी की राम बारात है 24 तारीख की। इस सेक्टर 20 के, जैसे कि मुन्ना कुमार शर्मा जी ने कहा, सेक्टर 20 से निकल के और विभिन्न सेक्टरों से होते हुए नोएडा के कम से कम भी 15-20 सेक्टर वो कवर करती हुई, और विभिन्न जगहों पे करीब करीब हर सेक्टर में 2 या 3 उस राम बारात के स्वागत करने वाले लोगों के कमेंट्स भी मिल चुके हैं। जगह जगह स्वागत भी उस राम बारात का होगा, और भव्य तरीके से निकालने का हमारा इस श्री राम मित्र मंडल रामलीला आयोजन समिति का प्रयास रहेगा कि शहर में एक असम सज जाए, शहर में एक भव्य तरीके से रामलीला का आयोजन हो,
ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और हम शहर को सेक्टर 62 में जो आज तक रामलीला का आयोजन नहीं हुआ था, यहाँ के एक हमारे प्रबुद्ध जन आए थे जिस दिन भूमि पूजन किया गया था, उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा, मैं श्री राम मित्र मंडल का तो धन्यवाद करता हूँ और इनका सेक्टर 62 में स्वागत करता हूँ, क्योंकि किसी भी संस्था ने आज तक ये विचार नहीं किया कि यहाँ पे भी धार्मिक आयोजन रामलीला के बारे में हो। और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया कि जिस भी चीज़ की जरूरत होगी आप हमें बताइएगा, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। हम उन अध्यक्ष साहब का जेसी नारंग साहब हमारे बीच में आए थे और उन्होंने ऐसा वचन किया था, आज उनको बुलाया गया था, वो कहीं बाहर गए हैं, सीनियर सिटीजन के रूप में जाने जाते हैं वो, मैं उनका भी धन्यवाद कहूँगा इस दायित्व के माध्यम से। विभिन्न संस्थाओं के लोग, जैसे अभी बताया गजेंद्र बंसल साहब सेक्टर 55 के RW के अध्यक्ष, पूरी RW का सहयोग तन से भी मिल रहा है, मन से भी मिल रहा है और धन से भी मिल रहा है। विजय जी हमारे बीच में भी आने वाले हैं, सेक्टर 12 का RW का सहयोग पूरा मिल रहा है, अग्रवाल मित्र मंडल का सहयोग पूरा मिल रहा है, तो विभिन्न संस्थाओं का सहयोग इस रामलीला के आयोजन में हमें मिल रहा है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद और कहें तो हिंदू महासभा, ये विभिन्न संगठन जो हैं बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ इस रामलीला का आयोजन करने में हमें सहयोग दे रहे हैं। मैं इन सभी संस्थाओं का, जिनका मैं नाम भी भूल गया हूँ, उन सभी संस्थाओं का मैं आपकी धन्यवाद करता हूँ। और मैं पत्रकार महोदय को ये भी कहना चाहूँगा कि अब की बार हमारा प्रयास ये सेक्टर 62 का पहला प्रयास है और हमारी ये कोशिश रहेगी, ऐसा हमारा सोचना है कि हम स्टेडियम से भी यहाँ कुछ अच्छा करके दिखाएं, स्टेडियम से भी बेहतर करके दिखाएं, चाहे वो लाइट का सिस्टम हो, चाहे वो सुरक्षा का सिस्टम हो, चाहे वो CCTV कैमरे का सिस्टम हो, चाहे वो कलाकारों का सिस्टम हो, चाहे वो स्टेज की सज्जा का सिस्टम हो, चाहे वो बैठने की व्यवस्था हो, चाहे VIP लाउंज हो, चाहे हम उन अतिथियों की सेवा भावना हम जैसे पहले चाय नाश्ते के साथ करते तो उसमें भी हम सोच रहे हैं कोई अच्छा और हम काम करें। और ये मेला और झूला, मुन्ना कुमार शर्मा जी ने भी बताया होगा आपको, मेला और झूले की व्यवस्था भी सेक्टर 21 स्टेडियम से यहाँ पे अच्छी रहने वाली है। और एक झूला ऐसा लगेगा कि जो ये बताया गया कि इस NCR में कहीं नहीं लगता, ऐसा कोई झूला यहाँ पे लगाने का प्रयास भी कर रहे हैं। अलीगढ़ से हमारे बीच में राजेंद्र जी आते हैं हर वर्ष, ये पुरानी टीम है, पुरानी टीम तो हमारे साथ है ही है, चाहे वो टेंट वाला, चाहे वो बिजली वाला, चाहे वो कैमरे वाला, चाहे संदीप जी बैठे हमारे बीच में लगातार 5 साल से जुड़े हुए हैं। पैसा का कोई अहमियत लोग देते नहीं है कि मुझे इतना पैसा दोगे तो मैं तभी आऊँगा, जो कुछ होगा दे देंगे, नहीं होगा तो नमस्ते। ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, टेंट वाला कहता है भी जो कुछ दे दोगे ठीक है, नहीं कोई बात ही नहीं। ये सामने ये और कैमरे वाला मैंने आपको बता ही दिया, बिजली वाला कहता है भाई जो कुछ होगा बन पड़ेगा दे दीजिएगा, इस तरीके से लोग हैं तो फिर हम अच्छा करना चाहें। बहुत हर संस्था का, हर प्रोफेशनल का भी सहयोग है। ये अरविंद और मिश्रा और ये प्रशांत मिश्रा जी खड़े हैं, ये कहते हैं बहुत प्रोफेशनल है, एक एक दिन जाके 2-2, 5-5 हज़ार रुपये की मजदूरी के लोग हैं, ये कहते हैं हम आपके साथ कंधे से कंधा निस्वार्थ भाव से खड़े हैं, तो हमें इनका धन्यवाद करने में कोई बुराई हमें नहीं लगती कि हम इनको आगे ना बढ़ाएं या इनका हम नाम ना लें। तो मैं समझता हूँ कि काम बहुत अच्छा होगा, हम सबकी भावनाएँ ऐसी हैं। बाकी पत्रकार महोदय आप बैठे हैं, कोई किसी बात की कोई चर्चा करनी है, कोई बात की जानकारी लेनी है, हम आपके साथ में आपके समक्ष हैं, कुछ भी आप हमसे पूछ सकते हैं। और बिल्कुल हर समाज का, हर वर्ग का, हर धर्म, हर जाति का, हर बिरादरी का, हर संगठन का, करीब करीब 10 से 12 संगठन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से हमारे साथ जो काम कर रहे हैं, उन सभी संगठनों का, उन सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं का मैं अति धन्यवाद करूँगा। और मैं आगे की कार्रवाई मुन्ना कुमार शर्मा जी को मैं देता हूँ। धन्यवाद गोयल साहब, हमारे बीच में हमारे कार्यकारिणी के वरिष्ठ पदाधिकारी मनीष गोयल जी आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ राजीव सिंह जी हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती सोनिया खन्ना जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं चेतना मंच से, आपका स्वागत है। प्रमोद शर्मा जी हैं नवोदय टाइम से, आपका हार्दिक स्वागत है। एक जो बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो श्री राम मित्र मंडल संस्था के बारे में और जो रामलीला मंचन हम लोग करते हैं,
श्रीराम मित्र मंडल नोएडा के द्वारा जो रामलीला महोत्सव हो रहा है वो बिल्कुल इसमें ये किसी प्रकार की विचारधारा या कोई पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं है। ये निर्दलीय संस्था है और इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का, सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं का और सभी सामाजिक संगठनों का इसमें हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम लोग सबको सम्मिलित करते हैं, सभी लोगों का हम लोग स्वागत करते हैं, चाहे वो भाजपा के लोग हों, चाहे वो सपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे आरएसएस से हों, चाहे विश्व हिंदू परिषद से हों, चाहे हिंदू महासभा से हों, चाहे और किसी संगठन से हों, सब लोगों का यहाँ पर स्वागत है। हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में मानता है। भगवान राम हम सब हिंदुस्तानियों के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इसलिए उनकी लीला हर व्यक्ति यहाँ पर आके देखे हर व्यक्ति के लिए है, किसी पार्टी या किसी पर्टिकुलर विचारधारा के लिए नहीं है। हम सब का स्वागत करते हैं, सब का स्वागत करेंगे और एक निष्पक्ष निर्दलीय और नोएडा शहर के सभी सामाजिक संगठनों को साथ लेकर चलने वाला ये मंच होगा। इसमें किसी प्रकार की राजनीतिक दखलंदाजी या कोई राजनीतिक विचारधारा इस संगठन के द्वारा नहीं है, इस लीला मंच में नहीं है। ये जो कार्यक्रम है इसकी ही बहुत ही विशेष बातें ये है, इसका हम लोग ध्यान रखते हैं और इसका हम लोग आगे भी ध्यान रखते हैं। अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो स्वागत है आपका। वो जानकारी लग रहा हो कि नहीं हमने दिया है, ये मुरादाबाद की मंडली है जो रामलीला का मंचन कर रही है, श्री रामचरित मानस कला मंच समिति, श्री रामचरित मानस कला मंच समिति मुरादाबाद की समिति है। उसके 80 कलाकार पिछले 2 महीने से रिहर्सल कर रहे हैं। कुछ त्रिपाठी साहब आप पूछना चाह रहे थे, शाम को आएंगे। पहली बार जी करवा देंगे, जिनको भी मिलना होगा तो शर्मा जी, वो सीता विलाप के लिए जो आप विशेष प्रबंध किए हैं हमारे, उसका क्या है, किस तरह क्रेन के द्वारा है, कैसे है? सीता विलाप का उद्देश्य ये है, वो जो रावण जो हरण करता है वो है क्रेन के माध्यम। अच्छा, जो हनुमान जी का वो भी क्रेन, वो भी क्रेन के माध्यम। तो कितनी हाइट रहेगी इसकी कम से कम? वो थोड़ा उसके बारे में एक्सपर्ट है हमारे रविंद्र चौधरी जी, 150 से 200 फीट। अच्छा, क्रेन के माध्यम से 150 से 200 फीट क्रेन के माध्यम से दिल्ली में एक बार हनुमान के साथ एक घटना घट गई, तो इसके ऐसा कोई विशेष इंतजाम किया गया है कि सिक्योरिटी का लेके? SLI लगा हुआ है, कंप्यूटराइज क्रेन है, उसमें SLI वगैरह सारी पूर्ण रूप से सुरक्षित है, किसी प्रकार का वो खतरे की बात नहीं, खतरा का तो कोई काम करेंगे ही नहीं, पूरा सुरक्षित रहेगा। सीता विदाई के बारे में पूछ रहे थे, ये असल सीता विदाई बहुत इम्पोर्टेंट प्रसंग है। उसमें हर घरों में जब लड़कियों की विदाई होती है तो उस समय का जो क्षण होता है बहुत भावुकतापूर्ण होता है कि वो कितने वर्षों से जन्म हुआ, पली बढ़ी और अब दूसरे घर में जा रही है, तो उस क्षण को दिखाने के लिए ये विशेष रूप से सीता विदाई का किया है। सर, पहली बार आप यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, ट्रैफिक को लेकर किस तरह की व्यवस्था की गई? ट्रैफिक पुलिस और नोएडा पुलिस ये दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा प्लान किया है और किसी प्रकार के ट्रैफिक की समस्या यहाँ पर नहीं होगी। दूसरी बात है कि ये मैदान इतना खुला है, चारों बगल से सड़क है और आसपास कई सड़कें हैं, तो इसलिए यहाँ पर न तो पार्किंग की व्यवस्था होगी, दिक्कत होगी या न कोई ट्रैफिक की समस्या आएगी। पर्सनल सुरक्षा गार्ड ये करीब प्रतिदिन लगभग 30 के लगभग होंगे और उस दिन विजयादशमी के दिन लगभग 100 होंगे। हाँ, ये रोज रहेंगे। नब्बे
आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष अनुरोध के साथ में भोजन हम लोग लें, थोड़ा अच्छा लगेगा। बहुत